हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे जो 2.9 अपडेट का यहाँ पे जो थीम मोड है, फाइनली यहाँ पे आप कह सकते हो उसका जो लुक है वो यहाँ पे रिवील हो चुका है। तो किस तरीके से मोड आने वाला है, क्या क्या आने वाला है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बीजमा का एक सर्वे आया था कुछ दिन पहले, तो कुछ रिवॉर्ड है जो की यहाँ पे नेक्स्ट वर्जन में फ्री में आने वाले, तो कैसे आप उनको ले सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। और इवन यहाँ पे जो एक सूट का आप कह सकते हो ऑफिशियल लुक है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा लीक हो चुका है, एक इमेज आ चुकी है। तो कल यहाँ पे जो 2.9.2 वर्जन है उसके पैच नोट्स यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया दिख रहा है कि यहाँ पे अपना जो थीम मोड है वो किस तरीके से होने वाला है। लेकिन आउट ऑफ सरप्राइज आज यहाँ पे जो मोड है वो भी यहाँ पे आप कह सकते हो रिलीज हो चुका है। इन पैच नोट्स को चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। पर यहाँ पे साल का बेस्ट मोड होने वाला है जो की 2.9 में आने वाला है। तो इसका यहाँ पे जो गेम प्ले है वो यहाँ पे रिवील हो चुका है। अभी यहाँ पे चीजें काफी हद तक यहाँ पे बग है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे इसका जो POI है क्या क्या आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे ये मोड स्टार्ट होता है तो आपको ड्रैगन बॉल विलेज की तरह यहाँ पे जो तीन आप कह सकते हो स्नो विलेज है या विंटर फेस्टिवल विलेज है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दो विलेज अभी यहाँ पे बग है, आपको पूरा एक व्हाइट का टाइप का जो एरिया है वो दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे तीसरे विलेज पे जाते हो तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो एक्चुअल में लुक है वो किस तरीके से होने वाला है। इसके भी अभी यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ तो सेंटर में हमें यहाँ पे जो क्रिसमस ट्री है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ क्रेट टाइप की है, इसको आप जैसे यहाँ पे फोड़ोगे अपने चाकू से या फिर हाथ से फोड़ोगे तो इसके अंदर से यहाँ पे आपको काफी सारी जो स्पेशल आइटम्स है, इस मोड की एक्सक्लूसिव आइटम्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसको आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। और इस POI पे आपको काफी सारी यहाँ पे जो विकेंडी की बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कुछ यहाँ पे फूड ट्रक टाइप का यहाँ पे लगाया हुआ है, तो काफी सही लग रहा है। इवन इस POI के अंदर यहाँ पे जो क्रिसमस ट्री सेंटर में आप उसको अगर फोड़ते हो, कुछ गिफ्ट्स वहाँ पे लटके हुए हैं, जैसे आप मारोगे वहां से भी यहाँ पे कुछ लूट है वो यहाँ पे गिरती है। तो ये तो सिर्फ छोटा सा POI है, जो बड़ा वाला POI है ना वो इससे भी यहाँ पे धमाकेदार है, तो उसके लिए वेट करो। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इस POI के अंदर आपको जो आप स्पेशल आइटम्स मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे जो स्केटबोर्ड है वो यहाँ पे वापस आ रहा है। और जो तो जो स्केटबोर्ड है वो यहाँ पे इस मैप के लिए यहाँ पे नया व्हीकल होगा, अभी यहाँ पे बग दिख रहा हमें। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इस मोड में काफी बेस्ट चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे स्नो बॉल ब्लास्टर। जैसा अपने यहाँ पे RPG होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको दिख रहा है। अभी भी यहाँ पे इसके जो मॉडल के टेक्सचर्स हैं वो कुछ अलग से ही हैं, थोड़े से आपको जो ग्रे आउट दिख रहे होंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट बीटा रिलीज होगा उसके बाद यहाँ पे जो मोड है वो पूरे तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्नो बॉल ब्लास्टर है इसको क्या करोगे आप, इसको आप ले सकते हो। और आपके यहाँ पे जो सेकेंडरी प्राइमरी वेपन का स्लॉट यहाँ पे नहीं लेगा, बल्कि यहाँ पे जो पिस्टल का स्लॉट है वो यहाँ पे वेपन लेगा। तो जैसे आप इसको यहाँ पे इक्विप करते हो आपके शोल्डर पे यहाँ पे होता है, और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे एनिमी पे शूट करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, स्नोबॉल्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं। तो जहां तक इसका जो ब्लास्ट है वो एनिमी को कुछ परसेंट तो डैमेज करेगा, पर जितना RPG करता होगा उससे तो यहाँ पे ऑफकोर्स कम यहाँ पे करने वाला। और जगह जगह पे यहाँ पे जो ग्लेशियर्स या फिर जो स्नो रॉक्स यहाँ पे बन रही है तो एक अच्छा खासा कवर आपको यहाँ पे मिल सकता है, आप अपने लिए पूरा बना सकते हो। और यहाँ पे अभी तो ये गायब भी नहीं हो रही अगर आप शूट करो इन पे। तो फिर इस मोड में दोस्तों यहाँ पे काफी खतरनाक लेवल की यहाँ पे ट्रोलिंग होने वाली है। तो अभी तो यहाँ पे मोड आया नहीं है पूरा, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना जो आप स्नोबॉल ब्लास्टर है उसको अपने यहाँ पे टीममेट या फिर एनिमी पे शूट करते हो, आई थिंक एनिमी पे अगर आप शूट करोगे सिर्फ तब क्लियर के साइड में आपको एक बार दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे शूट करते हो तो वो जो बार है वो यहाँ पे ऊपर होता है। जैसे आप रुकोगे तो उसका जो लेवल है वो यहाँ पे कम होना फिर से स्टार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे उसका जो मैक्स लेवल है 100 लेवल है वो होता है, तो यहाँ पे जो एनिमी है दोस्तों वो यहाँ पे स्नोमैन बनने। क्लिप में भी आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ शूट करने की, तो यहाँ पे आई थिंक एनिमी का बार यहाँ पे पूरा हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे जो स्नोमैन है वो बन चुका है। और इवन यहाँ पे एनिमी के मारने से मेरा यहाँ पे जो टीममेट है वो भी यहाँ पे स्नोमैन बन चुका है। अभी के टाइम यहाँ पे स्नोमैन बनने के बाद आपको कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं देखने को मिल रहा, ना आप यहाँ पे वापस कैरेक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हो, ना ही आप यहाँ पे कुछ किसी को मार सकते हो, कोई गन आप यूज कर सकते हो। तो अगर ऐसा ही आता तो सीरियसली क्या होगा लोगों का यहाँ पे स्नोमैन बनने के बाद। काफी बार मैंने ट्राई किया यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे मारने का, कुछ यहाँ पे कन्वर्ट हो नहीं रहे। लास्ट में आप चाहो तो यहाँ पे सीधा एनिमी को यहाँ पे डैमेज कर सकते हो बुलेट से, अपना जो चुबाकी अपने मेली वेपन से किसी से भी, और उसके बाद जाके यहाँ पे जो मैच है ये खत्म होता है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन POI को देखने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो फियोरे एक्सूट है 7-स्टार वाला। तो इसका यहाँ पे अब जो लुक है ऑफिशियल किस तरीके से यहाँ पे जो एक्सूट है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पे रिवील हो चुका है। अभी यहाँ पे इमेज थोड़ी सी ब्लर्ड आउट है, नेक्स्ट यहाँ पे बीटा तक यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। पर जो गेम के अंदर यहाँ पे इस एक्सूट की फॉर्म आने वाली है वो यही है, इसी फॉर्म में आपको इसी डिजाइन के अंदर जो एक्सूट है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो मेमोरीज एक्सूट की तरह यहाँ पे जो एक्सूट है वो होने वाला है, बस यहाँ पे क्रिसमस या फिर थोड़ा सा स्नो टाइप की वाइब्स है वो वाला जो सेट है उस टाइप का होने वाला है। तो कैसा लग रहा आपको चाहो तो ये कमेंट्स में बताना। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो मेन POI होगा इस अपडेट का वो यहाँ पे होगा स्टालबर में। तो स्टालबर आपको पता कि हर बार जब भी आता स्नो वाला वहीं पे आपको देखने को मिलता है, तो इस बार भी यहाँ पे वहीं पे इन्होंने ऐड किया है। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे कुछ स्नो टाइप का यहाँ पे आ सकता है इस मोड में, तो आ चुका है यहाँ पे अपने ये पूरा।
देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ा सा POIS सालभर पे यहाँ पे ऐड हो चुका है। पर जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे चीजें अभी थोड़ी बग्ड हैं, तो आप POI को देख सकते हो किस तरीके से आप में लुक होगा। लेकिन जैसे आप इसके पास जाओगे, इसके जो कैसल के फ्रोजन कैसल है आपको दिख रहा है, तो आपका जो करेक्टर है वो यहाँ पे जमीन के नीचे घुस जाता है, तो नेक्स्ट वर्जन के अंदर यहाँ पे फिक्स होगा। बाकी यहाँ पे भी आपको काफी सारी यहाँ पे जो विकेंडी की बिल्डिंग्स है, विकेंडी वाली आई थिंक यहाँ पे जो लेक है फ्रोजन वो आपको देखने को मिल रही है, पर कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे जो क्रिसमस ट्री क्रिसमस डेकोरेशन है वो भी यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। तो सही में काफी मस्त लग रहा है यहाँ पे पूरा POI है। और अगर आपको याद हो कि मेसी के टाइम यहाँ पे एक जो फुटबॉल वाला आया था, तो वैसा यहाँ पे जो ट्रैक है वो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, तो इसके ऊपर आप जाके यहाँ पे जो ग्लाइड है वो यहाँ पे कर सकते हो। और कुछ स्पेशल एबिलिटी भी है जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट देती है उस ट्रेल पे। तो जब पूरे तरीके से मोड आएगा तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक करके यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कैसे इसको यूज करना है। तो ओवरऑल अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो नया थीम मोड है वो यहाँ पे होने वाला है। चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको यहाँ पे कैसा लगा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो 2.9 अपडेट है, तो उसके अंदर जो मेट्रो रॉयल के अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो एक चैप्टर 17 वो तो स्टार्ट होगा, हर बार की तरह एक नया चैप्टर आता है, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ लोड आउट्स हैं बैकपैक के लिए वो यहाँ पे ऐड होंगे। और इवन यहाँ पे जो टैक्टिकल क्रॉसबो की नई अटैचमेंट है वो भी यहाँ पे मेट्रो रॉयल में आ जाएगी। फिर यहाँ पे सबसे आप कह सकते हैं अलग सी चीज है, यहाँ पे कुछ आइस मैकेनिक्स हैं वो यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, तो ये देखने वाली चीज है। कुछ कमाल का ही लग रहा है, जैसे ही आएगा आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ डिटेल में क्या क्या आया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो कि यहाँ पे बीजेमए का एक सर्वे आया था 2.8 अपडेट आने से पहले, मेरे ख्याल से एक दिन पहले यहाँ पे आया था, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन ये भी था कि यहाँ पे अगर आपको गेम में एड्स देखने को कहें तो आपको क्या रिवॉर्ड्स चाहिए, तो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस थे, जैसे कि एक्सक्लूसिव ट्रेड XP या फिर AG RP पॉइंट सिल्वर UC और टेम्परेरी आइटम स्किन्स हो गया, एक्सटेंड प्ले टाइम और भी यहाँ पे काफी कुछ। तो ये वाला फीचर भी यहाँ पे 2.9 अपडेट में फाइनली यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो जिसने भी इसमें यहाँ पे UC वोट किया था, तो उसने तो पता नहीं क्या सोच की क्या था, कैसी इतनी आसानी से आपको UC है वो यहाँ पे मिल सकता है। बीटा के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो परचेज बोनस है, तो वहाँ पे आपको वॉच वीडियोस का बटन है वो यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा अगर आप सेशंस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक मिशन देखने को मिल रहा है, वॉच वीडियो टू अर्न रिवॉर्ड्स, और यहाँ पे 0/6 है, तो 6 एड देखनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद यहाँ पे जो रिवॉर्ड होने वाला है वो यहाँ पे सिर्फ 10 AG। तो वैसे तो यहाँ पे AG की डिमांड बढ़ चुकी है 2.8 अपडेट से, बट बीजेमए में तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो चलो है ही नहीं, क्या पता यहाँ पे जैसे ये वाला जो फीचर आए अपडेट में नेक्स्ट अपडेट में उसी के साथ यहाँ पे जो AG वाला फीचर है वो भी यहाँ पे आ जाए। तो कुल मिला के आपको यहाँ से UC तो नहीं मिलने वाला, उसकी जगह आपको सिर्फ यहाँ पे जो AG करेंसी है और यहाँ पे जो 50 XP है वो यहाँ पे मिलने वाला है 6 वीडियोस के बाद। तो प्रोबेबली यहाँ पे डेली यहाँ पे रिफ्रेश होगा और यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 300 जो AG है वो यहाँ पे कलेक्ट कर ही सकते हो। बाकी यही था आज की वीडियो, आपको जो बताना था ज्यादातर यूट्यूब के रीति रिवाज है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वो करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।